व्यंजन वर्ण के तीसरे नियम को आप देखते हैं। व्यंजन वर्ण के तीसरे नियम के अनुसार म के बाद अगर स्पर्श व्यंजन आए, स्पर्श व्यंजन क्या है? अब प्रश्न उठता है, स्पर्श व्यंजन क्या है? क से म तक के अक्षर को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं, अर्थात म के बाद अगर स्पर्श व्यंजन आए तो म के स्थान पर पंचम वर्ण अर्थात ग, इणी, अणा, न और म, म आधा म के स्थान पर पंचम वर्ण यानी इन पांचों में से कोई एक हमें प्राप्त होता है। अब इसको हम जरा डिटेल्स में समझेंगे। आइए अब कुछ उदाहरण देखें। अहम प्लस कार अहंकार, सम प्लस कल्प संकल्प, किम प्लस चित किंचित, पम प्लस चम पंचम। यहाँ पर सभी अक्षरों शब्दों में अंतिम अक्षर म आधा है, अहम में भी म आधा है, सम में भी म आधा है, किम में भी म आधा है, पम में भी म आधा है। उसके बाद कोई भी अक्षर अगर है तो म के स्थान पर हम पंचम वर्ण यानी अनुनासिक को पाते हैं। यहाँ पर अहंकार संकल्प किंचित पंचम। व्यंजन संधि के चौथे नियम को देखते हैं। व्यंजन संधि के चौथे नियम के अनुसार हर्ष स्वर के बाद अगर छ अक्षर आए, अर्थात प्रथम शब्द में हर्ष स्वर आना है और दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर छ आना है, च वर्ग का द्वितीय छ से छत्री, छ अगर आए तो उत्तर में आधा च होता है, अर्थात ई उ के साथ छ अक्षर अगर आए तो उत्तर में च आधा होता है। उदाहरण के अनुसार परी प्लस छेद परिच्छेद, अनु प्लस छेद अनुच्छेद, यहां पर हर्ष स्वर ई और हर्ष ऊ है। छ से पहले एक आधा च यानी बिना स्वर के च जुड़ जाता है। यहां पर हर्ष ई हर्ष ऊ वैसे ही रहेगा एज इट इज, लेकिन उत्तर में आधा च जुड़ गया। यही है व्यंजन संधि का चौथा नियम। आइए अब देखते हैं व्यंजन संधि का पांचवा नियम। व्यंजन संधि के पांचवें नियम के अनुसार त द इन दो अक्षरों के साथ अगर ल को जोड़ते हैं तो उत्तर में त और द के स्थान पर ल हो जाता है। त यानी आधा त, द यानी आधा द। प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर अगर आधा त या आधा द यानी स्वर को छोड़कर अगर व्यंजन है त और द, और उसके बाद द्वितीय शब्द का प्रथम अक्षर अगर ल है, वैसी स्थिति में उत्तर में त और द के स्थान पर ल में परिवर्तित होता है। उदाहरण उत प्लस लास उल्लास। यहां पर देखिए त है, पहले शब्द का अंतिम अक्षर त के नीचे हलंत है और यहाँ पर ल है, इसलिए त जो है ल में परिवर्तित हो गया और उत लास उल्लास बन गया। इसी प्रकार तत् प्लस लीन तल्लीन। यहाँ पर भी देखिए त है और पहला अक्षर ल है, इसलिए यहाँ आधा त ल में परिवर्तित हो गया, तत् प्लस लीन तल्लीन।